ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अब जिला प्रशासन हमीरपुर ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में ऑक्सीजन के तीसरे पीएसए प्लांट को अगले सप्ताह तक शुरू कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 30 बेड क्षमता वाले कोविड वार्ड के साथ अब 75 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है। इन सभी बेड को ऑक्सीजन प्लांट से सीधे 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ जोड़ा जाएगा। इन वार्डों को लाखों रुपए की लागत से बनाए गए रैप से भी जोड़ा जाएगा ताकि इमरजेंसी के दौरान अन्य सुविधाओं पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े और कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर तरीके से उपचार प्राप्त हो सके। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर सिविल अस्पतालों में भी कोविड और आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर बीमारी से बचाव के दौरान व्यवस्था भी की जाएगी और ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो तैयारियां की गई थी उन तैयारियों की समीक्षा स्वास्थ्य संस्थाओं में की गई है। ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्थित किया जा रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर सिविल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इन व्यवस्थाओं को जांचा गया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में तीसरे ऑक्सीजन प्लांट को अगले सप्ताह से सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। यहाँ पर कोविड वार्ड में हर वार्ड को ऑक्सीजन की सुविधा प्राप्त की जाएगी। रैंप का निर्माण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में किया गया है जिनसे इन वार्ड को सीधा भी जोड़ा जाएगा। सेकेंड वेव की एक्सपीरियंस रही है उसको देखते हुए उसके साथ साथ ही बहुत सारी तैयारियां जो है वो की गई, और उसके बीच में जो महीने हमें उसके बाद रहे उसमें भी तैयारियां जोरों शोरों से चलती रही ताकि इस तरह का कोई सिचुएशन जो है वो आता है तो हमारी प्रिपेयर्डनेस पूरी हो। उसी के चलते जो हमारा आयुर्वेदा डीसीएचसी है उसकी हमने एक तरह से चेक किया कि इसकी ड्राई रन जो है वो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज द्वारा कर दी गई थी कि कोई भी स्थिति होती है तो एकदम से आपदा जो है वो आती है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती रिस्पॉन्स का, तो उस स्थिति में प्रिपेयर्डनेस और बिल्कुल मौजूदगी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बार उसको भी चेक किया कि कभी भी कोई भी पेशेंट जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे जाके जो है रेडी टू यूज़ है कि नहीं हमारी जो पुरानी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी। उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी जो है दो पीएसए प्लांट्स ऑलरेडी सुचारू रूप से चल रहे हैं, एक और पीएसए प्लांट का काम भी पूरा कर लिया गया है, उसको भी जो है एक हफ्ते के अंदर जो है वो तैयार हो जाएगा ताकि पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज में जितने हमें बेड्स की आवश्यकता पड़े मोटे मोटे तौर पे वो सभी में ऑक्सीजन सप्लाई के साथ ही हमें जो है मिल पाए। इसी के साथ साथ हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर भी 30 बेड्स का जो कोविड का वार्ड बनाया गया था उसमें जहाँ पे पेशेंट्स अभी एडमिट हो रहे हैं उसके अलावा 75 बेड्स की और एडिशनल कैपेसिटी ऑक्सीजन सहित तैयार कर ली गई है। और आपने देखा है रैंप भी अलग से बना के वो पूरा सेटअप को कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उसको तैयार कर लिया गया है कि कभी भी अगर सडनली केसेस में वृद्धि आती है तो वो इमीडिएटली उनको एक्शन में लाया जा सके। सिमिलरली टॉनी देवी में भी कोविड का हॉस्पिटल जो है कोविड वार्ड जो है उसको तैयार कर लिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट के सारे सिविल हॉस्पिटल्स में भी आइसोलेशन के लिए जो है बेड्स इमा कर दिए गए हैं कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट किसी की होती है जो कहीं दूर दराज के एरिया में कोई रहता है तो उसको इमीडिएट केयर के लिए ये तैयारी की गई है। और सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल्स पे भी ऑक्सीजन सपोर्ट की तैयारी जो है वो ऑलरेडी कर दी गई है।